जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन के समीप चार फाटक नामक रेलवे क्रॉसिंग पर जल्द ही अंडरब्रिज की सौगात मिल सकती है। वहीं छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर लगभग 9 वर्ष पहले ओवरब्रिज की सौगात मिल चुकी है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन के समीप चार फाटक पर जल्द ही अंडरब्रिज का निर्माण हो सकता है। रेलवे ने यहां संभावनाएं तलाशना शुरू कर दी हैं। बताया जाता है कि रेलवे ने बीते दिनों सर्वे कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी है। उम्मीद है कि जल्द ही लोगों को चार फाटक की समस्या से निजात मिलेगा। दरअसल ट्रेन की वजह से हर दिन औसतन 20 बार चार फाटक बंद होता है। एक बार चार फाटक बंद होने पर कम से कम लगभग आधे घंटे का जाम लगता है। आधे घंटे तक वाहन चालकों को चार फाटक पर खड़ा रहना पड़ता है। यह स्थिति तब निर्मित होती है जब छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के आने जाने का समय होता है। वर्तमान में ट्रेनों की संख्या कम है, लेकिन आने वाले दिनों में ट्रेनों की संख्या बढ़ने पर चार फाटक भी कई बार बंद होगा। तब सड़क चालकों के लिए काफी मुश्किल होगी। चार फाटक के बार बार बंद होने की बड़ी वजह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से वर्षों पहले की गई तकनीकी खामियां हैं। इन्हीं खामियों की वजह से रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के इंजन को चार फाटक के आगे से घुमाकर स्टेशन पर लाना पड़ता है। इसके बाद ट्रेन वापस रवाना होती है। हर बार चार फाटक लगभग 15 से 20 मिनट तक बंद रहता है। ऐसे में सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, चार फाटक पर नरसिंहपुर रोड की तरफ अंडरपास के निर्माण को लेकर पहले भी सर्वे हुआ था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से बात नहीं बनी। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो चार फाटक पर सिवनी छिंदवाड़ा रोड पर ओवरब्रिज निर्माण के साथ ही वाई शेप का ओवरब्रिज भी बनाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिवनी छिंदवाड़ा रोड पर ओवरब्रिज निर्माण में भी कुछ तकनीकी खामियों की वजह से स्थानीय लोग परेशानी से भी जूझ रहे हैं। कई बार गुरुद्वारा के आगे जाम की स्थिति निर्मित होती है। वहीं रेलवे सिग्नल लगाने की भी मांग होती रही है। काफी समय से ओवरब्रिज के दोनों तरफ पर रेलवे सिग्नल लगाने की भी मांग की जा रही है। दरअसल कई वाहन सिवनी से छिंदवाड़ा प्रवेश करते समय नीचे से ही गुजरते हैं। इसके बाद उन्हें चार फाटक बंद होने का पता चलता है, जिससे परेशानी बढ़ती है। इस संबंध में बीते दिनों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के DRM को स्थानीय लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा था। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, लगभग 9 वर्ष पहले छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया था कि लोगों को चार फाटक से मुक्ति मिल जाए। ओवरब्रिज की सौगात मिलने के बाद सिवनी की तरफ से छिंदवाड़ा आने वाले एवं छिंदवाड़ा से सिवनी की तरफ जाने वाले वाहनों को तो फायदा मिल गया, लेकिन नरसिंहपुर की तरफ आने जाने वाले लोगों की समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। बाइक सवार तो किसी तरह ओवरब्रिज का फायदा उठाकर निकल जाते हैं, लेकिन कार एवं बड़े वाहनों के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहां आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है। खैर, प्राप्त जानकारी के अनुसार चार फाटक पर जल्द ही अंडरपास का निर्माण हो सकता है। इसके लिए बीते दोनों रेलवे ने सर्वे कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और उसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।